मंडी लोकसभा सीट से महामुकाबला देखा जा रहा है। ये सीट हॉट सीट बन रही है। बीजेपी की टिकट से चुनावी मैदान में उतरी कंगना रनौत अपने बयानों से सुर्खियां बटोर रही और विवादित बयान भी अब माने जा रहे हैं। अपने अंदाज में उन्होंने निशाना साधा है कांग्रेस के नेताओं पर। मनाली में एक चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कंगना रनौत ने कह दिया कि एक पप्पू दिल्ली में है तो एक पप्पू हिमाचल में है। कंगना रनौत के सियासी हमले पर हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी पलटवार किया। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, कंगना एक बार अपने 2019 के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट पर नजर डाले। मनाली के मंच पर मनाली की बात होगी, आपदा में कहां थी आप, पूछती है मनाली की प्रबुद्ध जनता। ये भी विक्रमादित्य सिंह ने पोस्ट किया, ये देख सकते हैं आप। और कंगना रनौत का बयान भी आपको सुनवाएंगे। मेरा नाम अनाउंस हुआ है, इनके इतनी मिर्ची लग रही है कि दिन रात मुझे अपमानित करने में कि एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौ मांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौ मांस खाते हुए कहाँ देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया विक्रमादित्य सिंह ने, सवाल पूछा विक्रमादित्य सिंह ने कि आप आपदा के समय कहां थी। लेकिन यहां पर बात कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह की जो हम कर रहे हैं, दोनों की बात कर रहे हैं। एक तरफ आप सोचिए कि यहां जो पोस्ट किया गया है विक्रमादित्य सिंह की तरफ से, ये कंगना रनौत के लिए है। कंगना रनौत ने जो बात की है वो विक्रमादित्य सिंह के लिए है। अब ऐसे में जनता का क्या इन दोनों बातों में कोई भला है, मैं ये पूछना चाहता हूं। हिमाचल की राजनीति हो, देश की राजनीति हो, जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाना कोई नेताओं से ही सीखे। हम दोनों पक्षों की बात कर रहे हैं, इधर की भी उधर की भी। अब ये बताइए कि कंगना ने जो बात कह दी, छोटा पप्पू बड़ा पप्पू, उससे उनको क्या फायदा है, जनता को क्या फायदा? मुद्दों की बात कीजिए, और मुद्दों की बात की जाती है तो वो बयान भी सुनवाए जाते हैं। लेकिन इस तरह से अगर खुद ही सुर्खियों में रहने के लिए ऐसे तरीके इजाद किए जाएंगे तो इससे जनता को क्या फायदा? ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल पूछा जाएगा। प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो, उनसे हम बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। प्रदीप, ये कैसी राजनीति चल पड़ी है हिमाचल में? अब व्यक्तिगत टिप्पणियां ज्यादा हावी हो रही हैं, जनता के मुद्दे गौण नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कुछ दिन पहले विक्रमादित्य सिंह ने कंगना से पुराने ट्वीट को सोशल मीडिया पर शेयर किया था, और उसमें उसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा था कि जिस तरह से बीफ खाने वाले गौ मांस खाने वाले हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये क्या सही है? इस तरह की बात उनकी तरफ से कही गई थी। और अब हम कह सकते हैं कि इस मुद्दे को लेकर सियासत तेज हो रही है। पिछले कल कंगना रनौत ने मनाली में विक्रमादित्य सिंह पर निशाना साधा, हालांकि बिना नाम लिए उन्होंने उनके छोटा पप्पू तक कह डाला, और उसके साथ साथ ये भी कहा कि वो कह रहे हैं कि मैं गौ मांस खाती हूँ, इसके वीडियोज हैं, फोटोज हैं, तो वो जो है सबूत जो है वो शेयर किए जाए। आज उन्होंने फिर से ट्वीट किया है विक्रमादित्य सिंह ने, और उन्होंने कहा कि जो सबूत मांग रही है तो 2019 का ही उनका अपना ट्वीट है, उसमें वो गौ मांस की बात कह रही है। तो इस तरह का उनका ट्वीट था, एक इस तरह की बात वो कहना चाह रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो सियासी मुद्दे हैं मंडी लोकसभा क्षेत्र के, उन मुद्दों की बात होने की बजाय अब इन मुद्दों पर बातचीत हो रही है। यहाँ पर पूर्व में कंगना रनौत को हमने देखा कि वो प्रधानमंत्री मोदी को कहा कि उनमें राम भगवान का, विष्णु भगवान का अंश है, इस तरह की वो बात कहते हुए नजर आए। विक्रमादित्य सिंह ने पिछले कल एक वीडियो मैसेज जारी किया और उन्होंने कहा कि मैं अयोध्या से भगवान राम का आशीर्वाद लेकर आया हूँ, और कंगना रनौत को सद्बुद्धि दे, इस तरह की वो कामना करते हुए नजर आए। तो मुद्दे जो है कुछ और बनते जा रहे हैं, बीच की चर्चा हो रही है यहाँ, और इसके साथ साथ आज विक्रमादित्य सिंह ने जिस तरह जी प्रदीप, विजय डोगरा साहब हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ चुके हैं। प्रदीप, चर्चा करते हैं राजनीतिक तौर पर, अब पार्टी के नेता और पार्टी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। डोगरा साहब, अभी आपने सुना कंगना रनौत को क्या कहा गया उनकी तरफ से विक्रमादित्य सिंह को लेकर?
जी कौशिक जी, पहले तो धन्यवाद आपके चैनल का, और ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह की राजनीति आज बिलो द बेल्ट चल रही है और हमारे कांग्रेस के नेताओं को जिस तरह से अपशब्दों से नवाजा जा रहा है, इसका जवाब प्रदेश की जनता इनको 1 जून को दे देगी और 4 जून को आप रिजल्ट देगा। आज अभिनेता होना या अभिनेत्री होना और राजनेता होना परिपक्वता चाहिए कई शब्दों में, और जिस तरह की भाषा शैली का प्रयोग वो कर रही हैं वो इस हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को शोभा नहीं देती है। और हमने कभी किसी भी कांग्रेस बीजेपी के किसी लीडर के ऊपर हमने इस तरह की बातें की हैं ना, हमारी संस्कृति है कांग्रेस की, और कांग्रेस ये चाहती है कि हम इस प्रदेश में, क्योंकि चुनाव तो आते जाते रहते, परोक्ष रूप से मैं कहूंगा कि ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहेगी, लेकिन आप जिस तरह की भाषा शैली का प्रयोग आप कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। और वो अगर अपने आप को ये कहती है कि मैं हिमाचल की बेटी हूँ, तो हिमाचल की संस्कृति इस तरह की नहीं थी जिस तरह की वो बात कर रही, और प्रदेश में चुनाव लड़ना अच्छी बात है, वो आई है, दासी है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कई वर्ष से लाइन में लगे हैं और उनके ऊपर आके इस तरह से आके बैठ रही है और आप इस तरह की बयानबाजी दे रही हैं, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह हमारे यहाँ नेता हैं और अगर उन्होंने चुनाव लड़ना है, उनकी माता वहां से सांसद हैं, या स्वर्गीय वीरभद्र सिंह वहां से कितनी बार मेंबर पार्लियामेंट रहे, उन्होंने तो कब शुरुआत किसने की डोगरा साहब, बीफ खाने वाली बात, ये कोई कुछ भी खाए क्या उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं देखिए, ऐसा है कौशिक भाई के आज के हालात हैं, ये भी हमने नहीं डाला, ये भी किसने कहा किसने नहीं कहा, लेकिन ये जो बातें आज रही हैं, जिस तरह से आज वीडियो लोग सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं, ठीक है, मैं क्योंकि मैं इन बात पे इसलिए नहीं जाता, हम लोग हिंदुस्तान की संस्कृति के लोग हैं, वो हमारी यहाँ की बेटी है, हम ये उनको ये कहना चाहते हैं कि मेरे संयम के साथ वो चुनाव लड़े, इस तरह की बातचीत और इस तरह जो टिप्पणियां हैं वो तोहफा नहीं देती है हिमाचल के लोगों को। ठीक है, करण नंदा साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। करण नंदा साहब, क्या अब उन मुद्दों पर बात नहीं होनी चाहिए, उन मुद्दों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए जो जनता से जुड़े हों, एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करना ये कहां तक जायज है? कंगना रनौत ने कहा एक बड़ा पप्पू, एक सीनियर पप्पू, एक छोटा पप्पू हिमाचल में, ये आपके जो कैंडिडेट हैं जो कह रहे हैं, आप उनसे सहमत है कि ऐसी बात होनी चाहिए? देखिए ऐसा है कि हमारा तो ये मानना है कि जो चुनाव है वो चुनावी मुद्दे पे लड़ना चाहिए, बिल्कुल। और अगर आप देखेंगे कि पिछले 4-5 दिन से जो है वो लगातार कांग्रेस ने एक नैरेटिव और एक एजेंडा सेट करने का प्रयास किया जी, जिसकी वजह से कंगना जी को मेरे ख्याल से उससे जो है प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जिस प्रकार के एलिगेशंस ये लोग लगा रहे थे और किसी के जीवन शैली के ऊपर, किसी के ऊपर टिप्पणी करना, किसी ने भैया क्या खाया क्या नहीं खाया, ठीक है, जिसका आधार ही नहीं है, प्रूफ ही नहीं है, आप उसके ऊपर जो है एक टिप्पणी कर रहे हैं और उसके बाद जो है एक टिप्पणी के बाद दूसरी और उसके बाद मुख्यमंत्री की स्टैंप उस टिप्पणी पे लगती है, तो जायज तरीके से जब वो बाहर गए और उसके बाद जब ये ट्रोल होना शुरू हुआ तो उनको मेरे ख्याल से लगा होगा कि इस प्रकार की बात हुई है, और उसके बाद उन्होंने मंच से कल जो है वो सबसे पहली लाइन में जो है वो प्रूफ मांगा कि आप भैया प्रूफ तो दीजिए, ये प्रूफ नहीं है, वीडियो नहीं है, किसी ने उनको देखा नहीं, किसी ने उनको कुछ किया नहीं, तो ऐसी टिप्पणियां क्यों, क्योंकि आप केवल मात्र पॉलिटिकल एजेंडा के लिए एजेंडा सेट करना चाहते हैं। उन्होंने जो कहा हम भी यही करेंगे, उन्होंने जो किया हम भी यही करेंगे। देखिए कंगना जी जो है, आपको पता है कि वो जो है वो बहुत एग्रेसिव लीडर है, और आज से नहीं है, आप देखेंगे उन्होंने मुंबई में जो है एक मुख्यमंत्री जब शिवसेना थी उसके साथ जो है वो सीधा हेड ऑन कोलिजन किया है, और उनका घर भी तोड़ा गया, तो इनकी प्रवृत्ति है, तो जिसमें मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार उन्होंने टिप्पणी करी है और उसके बाद देखिए कि एकदम से जो है वो रात को विक्रमादित्य जी की बाइट भी आई है और वो एकदम से एजेंडा चेंज करने का, लेकिन नंदा साहब अभी डोगरा साहब सुन रहे हैं आपको, हमारे साथ जुड़े भी हैं, वो कह रहे हैं कि ये अपरिपक्व बात है और राजनीति में ऐसा नहीं चलता, परिपक्वता दिखानी चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए, इमैच्योर बता रहे हैं। पहले से बोलते आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांतिक राजनीतिक दल है, आपने इनके मुख्यमंत्री जी को सुना होगा, वो बोले 15 करोड़ रुपए खा लिए, अरे भैया प्रूफ है नहीं, 15 करोड़ खा लिए, अब वो भी तो ऐसी एलिगेशन। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बिना तथ्य की बात हो रही है, कुट्टो को कुट्टो ठीक है, मुख्यमंत्री पर आरोप है, बिना तथ्यों के आप बात करते हैं और जनता के बीच झूठी बातें लेकर जाते हैं।
मैं भी तरण नंदा जी को सुन रहा था, बड़े वरिष्ठ भाजपा के प्रवक्ता है और हम कई सालों से, दो तीन सालों से हम लगातार डिबेट पे आते हैं और इनकी भाषा शैली बहुत अच्छी है। लेकिन सवाल ये है, आज जिसकी बात मैंने की, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो चुनावी माहौल है, इसमें बहुत कुछ होगा, लेकिन क्या हम लोग अपना संयम, हम लोग अपनी अपनी पकड़ छोड़ देंगे अपनी संस्कृति के ऊपर? हम लोगों को अपनी मर्यादाओं में तो रहना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से कह रहे हैं, और जहां मुख्यमंत्री जी की बात आ रही है कि जी उन्होंने ऐसे बोला, मैं वही था और मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैं मंच संचालक था, ठीक है। और वहां से उन्होंने ये कहा कि उनको वोटों के साथ, ये साथ में जो शब्द है ये किसी ने नहीं सुना, लेकिन आज फिर भी इस तरह की बातें नहीं आनी चाहिए, मानते हैं, ठीक है। अंत में डोगरा साहब, मैं इस चर्चा को यहीं पर विराम देना चाहता हूं। बस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, दोनों आप बहुत परिपक्व प्रवक्ता हैं, आपको बहुत कुछ ज्ञान है शब्दों का भी, लेकिन आप नसीहत खुद ही देना चाहेंगे, चाहे वो कोई भी नेता हो, डोगरा साहब की ऐसी राजनीति ना हो जिसमें जनता के मुद्दों पर बात ना हो, व्यक्तिगत टिप्पणी कम से कम नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल कौशिक भाई ये कहूंगा कि हमें राजनीति अगर करनी है और चुनाव लड़ने हैं तो हमें मुद्दों पे आधारित चुनाव लड़ना चाहिए, ना कि हमें विरोध में जाके कोई किसी के ऊपर कोई इस तरह की भद्र टिप्पणी करनी चाहिए जिससे हम शर्मसार हो। नंदा साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? मेरा ये सवाल आपसे, देखिए चुनावी लड़ाई जो है वो विचारधारा की होती है और जो काम गना के जो लड़ाई होती है, तो मेरे ख्याल से इसमें हमें एक हिमाचल प्रदेश में संस्कृति बदलते हुए कि हम ना बदले, हमें केवल मात्र जो है यहाँ पे एक अच्छी और स्वच्छ राजनीति करनी चाहिए, इसमें हम फेवर में हैं और ये दोनों पार्टीज के लिए अमल होना चाहिए। बहुत अच्छी बात आप दोनों ने अंत में कही है और हम भी ये कहते हैं, हिमाचल की जनता बहुत समझदार है, वो मुद्दों आधारित राजनीति पर विश्वास करती है और कैंडिडेट्स को भी सुनती है और बड़े बड़े नेताओं को सुनती है, तो मुद्दों की बातें सुनती है। ऐसी बातें मुझे नहीं लगता कि जनता को समझ आएगी, और किसी को अगर लगता है कि इससे फायदा होगा, हो सकता है कि उसकी गलतफहमी हो, मुद्दों आधारित राजनीति पर अगर बात की जाए तो वही बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी खबर पर और इन बयानों पर आपने चर्चा की। हम आपको सुनवाना चाहते हैं, विक्रमादित्य सिंह ने एक वीडियो मैसेज जारी भी किया, ये जो विवाद है ये बहुत आगे बढ़ गया, अब वार पलटवार लगातार हो रहा है। सुनिए कंगना रनौत को भी और विक्रमादित्य सिंह दोनों को। जब से मेरा नाम अनाउंस हुआ है, इनके इतनी मिर्ची लग रही है कि दिन रात मुझे अपमानित करने में, कि एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहां में भी एक छोटा पप्पू है, वो कहता है कि मैं गौ मांस खाती हूं और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौ मांस खाते हुए कहां देखा, कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। आज भारतीय जनता पार्टी की जो मंडी से प्रत्याशी है, हमारी बड़ी बहन जिनका हम बहुत मान सम्मान करते हैं, कंगना रनौत जी, आज मनाली में थी और एक कार्यक्रम में जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने किया है, शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है, खास करके हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि उनका नमन करता हूँ। आज तक इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग हिमाचल जैसी पवित्र देवभूमि में नहीं हुआ होगा। खैर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जिस मनाली के मंच पर थी, अगर उन्होंने इस शब्दावली के बजाय अगर मनाली के मुद्दों की बात करी होती, आपको याद है कि कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीनों पहले सदी की सबसे बड़ी आपदा मनाली में आई, हिमाचल में आई, मंडी में आई, और आप कहती हैं कि मेरा घर मनाली के अंदर है, मैं मनाली वासी हूं, मगर क्या आप आपदा के समय में एक दिन भी मनाली में गई? हम आपदा के समय में, चाहे आपका आलू ग्राउंड है वहां पे उपस्थित रहे, पतली कुल का ब्रिज हमारी सरकार द्वारा रिकॉर्ड जो है 48 घंटे में उसको हमने मौके पर जाकर ग्राउंड जीरो पे जाके उसको रिस्टोर करवाया, लेफ्ट बैंक जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था वहां पर जाकर हमने उसको रिस्टोर करने का कार्य किया, हम दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मिले, नितिन गडकरी जी को हम हिमाचल में लेकर आए, मनाली लेकर आए,
और मनाली में उनको हमने जो है ग्राउंड जीरो की स्थिति से अवगत करवाया, मुख्यमंत्री जी ने उनको अवगत करवाया। इसलिए अगर आप इन तथ्यों के ऊपर बात करें तो अच्छा होगा। हम आपका बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि हिमाचल को की जनता को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या खाती हैं और क्या मुंबई में पीती हैं। ये हिमाचल के मुद्दे नहीं हैं।